हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़ी है दीदी आप या पहले भी जुड़ चुकी है? मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, मोमिना है आप भी? जी जी बिल्कुल, मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा, मुस्लिम है। अच्छे से फॉलो करती है इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरह सुना सकती है? वो तो मैं आपको सुना दूंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। कौन पूछ लेना, पहले सूरह सुना दीजिए। कौन सा सूरा सुनेंगे आप? सा सूरह सुना काफ। सकती है आप? सूरह काफ जुल्म मत कर भाई। यार, ने क्वेश्चन किया कौन सा सूरा सुनेंगे, तो मैं अपनी मर्जी का सुन लूं ना साहिल। मुझे मुझे ये पहले पूछना था आपसे कि मतलब एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? एक्स सब मुस्लिम बता जो आप देंगे। मतलब ये जो हैशटैग दे रहे हो उसका मतलब क्या है? आपने आपने मदीना। एक्समैन सुना है? एक्समैन, जी, एक्समैन क्या है? फिल्म देखी है आपने एक्समैन? ये तो रिलीजियस की बात है ना, फिल्म को तो आप हम मतलब रिलीजियस में नहीं ला सकते ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, एक्समैन कौन थे? अच्छा, पता नहीं मुझे। है एक्समैन का नहीं पता? जी अरे नहीं। दीदी, इस्लाम को फॉलो करती है थोड़ी ना, टीवी भी देखती होंगी, आप एक्समैन और वो यार, ये गेम एक्समैन ऑफ पूरी थ्रोन्स, सीरीज ये सब है। थोड़ी ना देखेंगी दीदी। आप आपको वोल्वरीन और वो डिफरेंट करेक्टर्स का नहीं पता एक्समैन के, जिसके हाथों में से छुरियां निकल आती हैं और फिर वो जो गंजा सा होता है जो कि ब्रेन से सब कुछ हम सोच अपनी लेता बात है। करते हैं ना, आप जो हैशटैग दे रहे हो एक्स मुस्लिम, तो इस टॉपिक पे बात करना सही है ना। हाँ मूवीज को ये तो छोड़ दो आप नहीं, ये मैंने एक्समैन से लिया है पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए, जो आप स्ट्रीम कर रहे हो, जो आप मतलब जी। बोल रहे हो, मैं आपके ऑलरेडी ऑलरेडी मैं मतलब वीडियोस आपके देख रही हूँ, तो जी मतलब मुझे पहले ये समझ नहीं आया कि एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है। वही बताने लगा हूँ, वही बताने लगा हूँ, वही बताने लगा। एक्समैन जो अच्छा, है तो ना, ये मूवी का कॉपी पेस्ट नाम है इसका मैं मतलब। अगर आप पूरा सुन ले तो मैं बता देता हूँ ना। जी जी ओके, बोलिए। एक्समैन जो है ना, एक्समैन वो म्यूटेटेड ह्यूमन बीइंग्स हैं। असल में वो ह्यूमंस हैं मगर म्यूटेटेड हैं। दे हैव अचीव्ड अ न्यू क्रोमोसोम्स इन देयर क्रोमोसोम्स, ठीक है? वो म्यूटेड हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है, एंड दे हैव अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर। उनको एक खास किस्म की पावर मिल गई है उस म्यूटेशन से जो कि उनके क्रोमोसोम्स के अंदर आ चुकी है। तो एक्स मैन जो है ना, उसी तरीके से एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम वो होता है जो मुसलमानों में जो क्रोमोसोम है उसमें से एक खास क्रोमोसोम जिसको वो यूज नहीं करते, उसको हमने यूटिलाइज करना शुरू किया, तो अब हम म्यूटेटेड मुस्लिम्स हो गए हैं। वी आर एक्स मुस्लिम्स, म्यूटेटेड मुस्लिम्स हैं हम एक्स मुस्लिम हैं। हम एक खास क्रोमोसोम्स को जो कि मुसलमान यूज नहीं करता, अब हम उसको यूज करते हैं। डज जैसे दैट कि मेक आप सेंस? हो मुस्लिम, ठीक है, लेकिन आप म्यूटेड हो, मतलब आप मतलब बोल नहीं सकते ना, ये है ना अरे म्यूट, टॉपिक है ना आपके मेन चैलेंज म्यूट का, मतलब म्यूट म्यूट नहीं है, म्यूट। MUT नहीं, म्यूटेशन है आप वही यार। तो बोल रहे हो ना, आपके बाजी, म्यूट मतलब वही तो हुआ ना, आप मतलब आपने मुस्लिम तो बहुत है लेकिन बोल नहीं सकते। मेरे हाथ आप जोड़ता हूँ भाई आडम, प्लीज हल्का हो जा, हल्के से ले भाई। बाजी आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? अरे वही तो बात हुई ना, आप जो बोल रहे हो यही है। नहीं वही नहीं हुई, लेकिन आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? मतलब ग्रेजुएट आप जो है, बोल एसएससी रहे हो किया वो है। ठीक सही नहीं है। है ठीक है, वी आर सॉरी दीदी। ये बताओ कि आप पढ़ी लिखी हैं? जी बिल्कुल। साहिल मैं म्यूट हूं, अब मैं वाकई हाँ म्यूट हूं। आप कितना पढ़ी लिखी है दीदी मुझे ग्रेजुएशन? लगता है साहिल, आपको थोड़ा पास्ट में जाना चाहिए। अगर इस्लाम के लिए कुछ आप लोगों को डाउट्स अरे होते, तो मेरे ख्याल से आपके जो बड़े हैं वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है? वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करने से मतलब आप एक्सेप्ट करें ना। अभी आप जो मतलब आपकी मर्जी में है, आप बोलते हो एक्स दीदी, मुस्लिम हो गए हम, तो मतलब ये रिलीजन में ऐसा है, आप कुरान शरीफ में जो डाउट्स निकाल रहे इसमें ऐसा है, अच्छा ये दीदी, सही नहीं रहता हर मेरे चीज को में। ये तो मतलब अभी बताओ। आप डाउट्स निकाल रहे, अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले क्यों एक्सेप्ट करें आप इस्लाम? अच्छा दीदी सुनो ना, ब्रेक एक देखो, टेप रिकॉर्डर में एक प्ले बटन होता है, जी 90 की जी कैसेट होती है, लेकिन उसमें पॉज बटन भी होता है, आपको पता है? बिल्कुल।
हाँ तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पॉज बटन भी दबा दीजिए ताकि मैं आपकी बात भी सुनूं, आप मेरी बात भी सुने। मुझे सबसे पहले ये तो बताओ कि आप कितना पढ़ी लिखी है, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, कितना पढ़ी लिखी है आप? सेकेंड ईयर। थैंक यू। सेकेंड ईयर में अभी है, आप पढ़ाई कर रही है। ओके कोई सूरा आप सुना रही थी, कोई सूरा सुना दो। सूरा में सूरा सुनाने थोड़ी ना, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ। बोलिए। एक रिक्वेस्ट तो पूरी कर सकती है ना। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अलहम का सूरा सुनाती हूँ आपको। हाँ सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान अल रहीम मालिकी यौम इद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दीदी देखो, एक्स मुस्लिम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स मुस्लिम क्या होता है कि एक इंसान जो पहले मुस्लिम था, इस्लाम को सच्चा रिलीजियन समझता था, दीन समझता था, एक वाहिद खुदा जो अल्लाह है उसके तरफ से समझता था, रसूलुल्लाह को जो है वो सच्चा नबी और रसूल समझता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना समझता था उनको। तो अब उसके जहनों में कुछ सवालात आए, उसने गौरव फिकर किया, उसको इस्लाम की कई सारी चीजें, अल्लाह की बातें, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, ये सब चीजें गलत लगने लग गई। इस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। अब आप समझिए एक्स मुस्लिम क्या होता है। जी पहले अच्छा आप ये बताइए कि आप। पहले जी जी बोलिए। तो उसको सब सही लगा, उसको कुरान शरीफ सही लगी, उसके नबी पे वो मतलब वो इस्लाम को मतलब सब चीज उसको सही लगी। अभी ये स्टेज पे उसको गलत लग रही तो वो एक्स मुस्लिम का नाम उसको अपने आप को दे दिया था। जी देखिए, बहुत से बार क्या होता है मदिया जी, बहुत सारी चीजें जो गलत होती है वो हमको सही लगती है, होता है कि नहीं होता है? जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे क्या मिसाल दूं आपको, जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूं, जैसे चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज पहले लोगों को सही लगती थी, अब सही नहीं लगती है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज गलत है। सोसाइटी जब इवॉल्व होती है ना, तो वो अपने अंदर चेंजेस लेके आती है, अपने आप को बेहतर करती है। जैसे शराब, बहुत से लोगों को शराब अच्छी लगती है, ठीक है, बाद में समझ में आता है अरे यार ये तो मेरे लिए नुकसान है, ये अच्छी चीज नहीं है, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सही लगती थी इस्लाम में, क्योंकि हमने उस पर गौरव फिक्र नहीं किया था, हमारे भेजे में वो घुसाई गई थी, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं था, घुसाई गई थी, बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक चीज बताता हूं, क्या आपको पता है कि इस्लाम में अगर आप किसी पे अटैक करते हैं, जंग करते हैं, या किसी किसी को तो किसी कबीले पे, मुशरिक कबीले पे आप जाके अटैक कर देते हैं, तो वहां पे आप मर्दों को मार देते हैं और वहां की औरतों को आप गुलाम बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं, ठीक है, इस्लाम उनको तो इसके खिलाफ है लड़ाई के, आपको मालूम, मुझसे ज्यादा आपको मालूम होगा। मदिया जी एक मिनट रुको तो सही। जी जी बोलिए। जी, तो लौंडी बना लेते थे और उसके बाद जो लड़ाई करने के लिए जो जाते थे या अटैक करने जो जाते थे, उनको जैसे 10 लड़कियां जो है वहां से पकड़ के लेके आई, ठीक है, वो एक एक लड़की या दो दो लड़की, जैसे भी जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होता था वो उनको दे दी जाती थी। अब वो शख्स जो है उस लड़की के साथ डिंगी डिंगी करता है, उसको अलाउड है डिंगी डिंगी करना, डिंगी डिंगी समझती है आप, समझती है ना डिंगी डिंगी? अच्छा अरे समझती है नहीं समझती है समझ रही मैम, क्या होता है डिंगी डिंगी? आप बोल रहे हो डिंगी डिंगी, पता नहीं। तो समझती है भी बोल रही है डिंगी डिंगी। अच्छा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं।
आप उस लड़की के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो, ठीक है? सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं समझ में आता है? अच्छा सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं आता है? जी आता है, ठीक है। आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, इस्लाम आपको इजाजत देता है, और आप उसको बेच भी सकते हो किसी दूसरे शख्स के पास, या मार्केट में जाके उसको बेच भी सकते हो। उसके बदले आप जो है वो रकम ले सकते हो, या घोड़ा या असलहा कुछ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बदले। क्या आपको ये चीज पता थी कि इस्लाम ये सब चीजों की इजाजत देता है? जी। साहिल, मैं आपको मतलब आप किसी और रिलीजन में भी अगर आपको देखेंगे तो ऐसे लोग आपको नहीं, इजीली मिल जाएंगे। इस्लाम मदिया जी, मैं कह रहा हूं कि को ही क्यों इस्लाम, टारगेट कर रहे हो? नदिया जी रुको तो सही, क्या आपको ये पता है कि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अभी देखो, ये एक मिनट, हाँ अभी ये आदित्य बोल रहा है कि साहिल व्हाई यू गो चीप टॉक विद लेडीज। अरे भाई चीप टॉक नहीं है ये, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। चीप टॉक कहाँ से हो गया, ये जो इस्लाम में है वो बता रहा हूँ। अच्छा आपने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, राइट? अच्छा अगर ये जो काम है जो अभी आपको बताया मैंने, ये अच्छा इंसान या अच्छा खुदा इस चीज की इजाजत दे सकता है, या बुरे लोग इस तरीके के काम करते हैं? बिल्कुल बुरे लोग करते हैं, अच्छे लोग क्यों करेंगे? अच्छा अगर आपके घर का या आपका बहुत सबसे ज्यादा जो पसंदीदा इंसान है, जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो मानते हो, अगर वो इस काम को करे या करने की इजाजत दे, तो आप उसको बोलेंगी क्या कि आप गलत हो? हाँ बिल्कुल बोलूंगी, अगर मैं देख रही हूँ तो बराबर मैं बोलूंगी ना, कुछ गलत है तो उसको गलत तो मैं बोलूंगी। पक्का? फिर पलटी नहीं मारेंगी ना आप बाद में? नहीं ऐसे क्यों, गलत तो गलत ही हुआ, सही तो सही हुआ ना। अच्छा अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने बातें बताई है, ये आपका अल्लाह इसकी इजाजत देता है, आपके रसूलुल्लाह और सहाबा इन्होंने ये सब काम किया है, अगर मैं आपको इसकी इसका प्रूफ दे दूं, इसकी दलील दे दूं, और वो दलील सही हो, फिर आप कहेंगी कि ये फिर ऐसे शख्स को जैसे हम लोगों ने छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम बन गए ये देखकर, तो आप भी फिर इसको कहेंगी गलत है और मैं फिर ऐसे गंदे मजहब को, ऐसे गंदे दीन को नहीं मैं फॉलो कर सकती? आप मुझे प्रूफ दीजिए, कुछ गलत है इसमें जो आप बोल रहे हो, प्रूफ दीजिए आप मुझे। तो फिर आप, अगर प्रूफ कर दूंगा तो फिर आप भी बोलेंगी ना कि ये गंदा काम इन्होंने किया है, मैं ऐसे को खुदा नहीं मान सकती, बिकॉज यू हैव टू बी गलत ऑनेस्ट। होगा तो शायद, गलत को तो गलत बोलने में कुछ बुराई नहीं है ना, अगर कुछ गलत आप मुझे प्रूफ के साथ बोल रहे हो, आपको पता है जब, तो आप मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये चीज गलत है। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी आप कुरान से देखना चाहेंगी, पहले कुरान बताऊं या हदीस बताऊं, कैसे बताऊं आप? कुरान बताइए। अच्छा कुरान से पहले बताता हूँ, फिर हदीस में भी बताता हूँ, ठीक है? जी ओके एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये आ गया स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है आपके पास? हाँ ओके इसको रीडिंग में डालू या ट्रांसलेशन में? एक मिनट, ट्रांसलेशन में डालता हूं। ये देखिए सूरे मुमिनून है, कुरान हाँ की सूरा नंबर 23 है ये आपके सामने, ठीक है? दिख रहा है? जी अच्छा इसमें ये जो शुरू आयत है, इसमें अल्लाह मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है, ठीक है? पहली आयत में अल्लाह क्या कहता है, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने, ठीक है? उसके बाद इसकी दूसरी आयत में अल्लाह कहता है, तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ठीक है? क्या क्या सिफत है? एक, नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं।
बाद है और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं, उसके बाद अल्लाह कहता है जकात के तरीके पर आमिल होते हैं, जकात देते हैं वो लोग, उसके बाद हाँ। कहता है अल्लाह, मैं कुछ बोला मदीहा जी, आवाज आ रही है ना जी आपको? जी हाँ बोलिए। आगे अल्लाह कहता है नेक्स्ट आयत में, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह पता है ना आपको, शर्मगाह प्राइवेट पार्ट्स। आगे अल्लाह कहता है, एक मिनट आपको आसान वाला ले लेता हूं, सिवाय अपनी बीवियां बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। पहली आयत क्या थी कि अपनी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करता है, किसके साथ हाँ? नहीं करता या किसके साथ अलाउड है, एक तो बीवी, सिवाय अपनी बीवियों यानी बीवी के साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, या अपनी लौंडियों के या आपकी स्लेव्स के साथ। तो यहां पे कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं और आप अपनी स्लेव्स लौंडियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। ये हो गया पहला हवाला आपको कुरान से। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा खुदा कभी इस बात की इजाजत देगा कि आप बीवी के साथ साथ? आप वो कंप्लीट जो है ना आयत, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब जितनी आयत है उसको, मतलब स्टार्टिंग से जो है एंड तक, मतलब पूरा बोल सकते हो आप? इसके बाद जो है वो स्लेव से रिलेटेड नहीं है, इसके बाद फिर आगे अल्लाह कहता है, अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहे वही ज़ाती करने वाला है, अपनी अमानतों और अपने अहद ईमान का पास रखते हैं और जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, ठीक है, ये सब जो है यही लोग वारिस है। ये मोमिनों की अल्लाह ने सिफत बयान की है, उसमें मेन बात जो आपको बताई गई है वो ये है कि आपका जो अल्लाह है वो आपको यानी मर्दों को, जो मोमिन मर्द है उनको ये इजाजत देता है कि वो अपनी लौंडियों के साथ, स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं। अब यही चीज को अगर आप, मैं हदीस में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, मैं वो हदीस भी खोल देता हूं, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट रुकिए। अरे मदिया जी ड्रॉप हो गई,